हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो गाइस, इस वीडियो में आज हम लोग बात करने जा रहे हैं विटामिन सी के बारे में। तो गाइस, आप मेरे पास देख सकते हैं, यह है विटामिन सी की टैबलेट्स। तो गाइस, ये जो विटामिन सी होता है आपको अपने खाने में ज़रूर लेना चाहिए, बट कुछ लोग नहीं ले पाते हैं। तो आज मैं आपको इसके बारे में पूरी जानकारी दूंगी। तो गाइस, विटामिन सी त्वचा के लिए बहुत खास होता है। त्वचा की रंगत निखारने से लेकर दाग धब्बों तक सबको छुटकारा दिलाने में हेल्प करता है। अगर आपको चोट आदि लग जाती है या उसका कोई निशान हल्का फुल्का रह जाता है तो वो इससे हटने में दूर होता है। यानी कि विटामिन सी आप किसी भी रूप में ले सकते हैं। विटामिन सी युक्त खाद्य पदार्थों का सेवन करना, इस विटामिन के फ़ायदे आपको बहुत मतलब फ़ायदा पहुँचाते हैं। जैसे कि संतरा, कीवी, टमाटर, हरा सेब, नींबू, केला आदि विटामिन सी के अच्छे स्रोत हैं। इसके अलावा इस विटामिन को अपने ब्यूटी रूटीन में शामिल करने के लिए आप विटामिन सी क्रीम का इस्तेमाल कर सकते हैं, और आप इसके लिए अच्छे स्किन प्रोडक्ट भी खरीद सकते हैं। इसके अलावा बाज़ार में विटामिन सी वाला सीरम, पाउडर, लोशन, क्रीम, मास्क भी यूज़ कर सकते हैं। तो इससे आपकी जो स्किन की जो परेशानियां हैं वो ख़त्म हो जाएंगी। विटामिन सी युक्त जो प्रोडक्ट होते हैं वो आपकी स्किन का जो है अच्छे से इजाफा करते हैं, धीरे धीरे उसमें निखार लाते हैं। लेकिन जो आप भी जो भी यूज़ करें, अगर आप विटामिन सी की टैबलेट यूज़ कर रहे हैं फेस पे या फिर कोई भी अच्छा प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं, तो विटामिन सी का आप रात को ही इस्तेमाल करें या सुबह इस्तेमाल करें, दोपहर में इसका इस्तेमाल करने से बचें। क्योंकि विटामिन सी सूरज की किरणों के प्रति बहुत ज़्यादा संवेदनशील होता है, यानी कि उसको बहुत आपके फेस पे जलन हो सकती है। और कुछ सावधानी भी आपको बहुत ज़रूरी है। विटामिन सी के इस्तेमाल से कुछ लोगों की त्वचा पर दाने निकल आते हैं, तो आप डॉक्टर की सलाह भी ले सकते हैं। विटामिन सी के इस्तेमाल से आपकी जो त्वचा है थोड़ी सी ड्राई हो सकती है या आपको कोई दिक्कत हो सकती है, इसलिए पहले पैच टेस्ट लेना ज़रूर आप अच्छा समझें। तो सूरज की रोशनी से दूर रहें अगर आप इसकी कोई क्रीम यूज़ कर रहे हैं या फिर आप इस टैबलेट को ही यूज़ कर रहे हैं। तो गाइस, एक्ने की समस्या से आप भी कभी कभी जूझते होंगे, और एक्ने तो देर सवेर ठीक हो जाती है पर उसके निशान छोड़ जाती है। तो विटामिन सी आपकी त्वचा की जो नई कोशिकाओं का निर्माण करती है और निशानों को हटाने में या हल्का करने में मदद करता है। तो विटामिन सी मेलानिन को का निर्माण को जो एक बाधक होता है उसको त्वचा को ठीक करने में हेल्प करता है। और पिगमेंटेशन यानी कि झाइयाँ होने की ढेर सारी वजह होती हैं, पर विटामिन सी अगर आप इसका लोशन लगाते हैं या इसकी वो टैबलेट यूज़ करते हैं तो आप झाइयों से छुटकारा पा सकते हैं। तो विटामिन सी में बहुत सारे गुण होते हैं, इसमें बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो हमारी स्किन को एकदम कोलेजन का निर्माण करके और उसको बढ़ाकर एकदम लचीला बनाते हैं। इसके इस्तेमाल से त्वचा पर झुर्रियाँ, बारीक रेखाएँ भी कम दिखती हैं। तो विटामिन सी सूरज की हानिकारक अल्ट्रावायलेट किरणों से भी त्वचा की रक्षा करता है और सुरक्षा परत बनाता है। तो गाइस, आपको विटामिन सी ज़रूर यूज़ करना चाहिए, बट अगर आपको इससे कोई दिक्कत होती है तो आपको इसको यूज़ नहीं करना चाहिए। ये 1 रुपये की टैबलेट आती है, आप इसको कहीं भी मेडिकल स्टोर से ख़रीद सकते हैं, जिससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। तो गाइज़, आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।